हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इज़ इट इलीगल टू वॉच पौन इन इंडिया क्या इंडिया में पौन देखना इलीगल है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंट लॉज क्या क्या हैं अगर है इलीगल तो कैसे है और अगर इलीगल नहीं है तो क्यों नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो लोग स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरे का पूरा कोर्स जो है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है जिसमें प्रोलम्स मेन्स और इंटरव्यू की स्टेजेस के लिए हमने थारो आपको वीडियोज़ दिए हैं आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां पर जाएंगे तो आपको कोर्स का कंटेंट मिलेगा डेमो लेक्चर्स मिलेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं क्वेश्चन जो है कि पॉन इलीगल है या नहीं है अभी रिसेंटली अगर एक एक्ट्रेस एक है शिल्पा शेट्टी जी आपने सुना होगा उनके हस्बैंड है राज कुंद्रा उनको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया था फॉर मेकिंग एंड ट्रांसमिटिंग पोर्नोग्राफिक वीडियोस तो तभी से ये क्वेश्चन जो है बार बार उठ रहा है कि क्या इस तरह का पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है अगर इसको देखें तो क्या वो इंडिया में इलीगल है अगर इल्लीगल है तो कौन से एक्ट में और क्या इसकी सजा है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीजें उठी रही हैं अभी तो जो लोग भी जुडिश्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस तरह का कोई ना कोई ऐसे भी इसमें आ सकता है तो इसीलिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है इंडियन लॉ की अगर बात करें तीन एक्ट्स हैं जो मेनली कवर करते हैं पोर्नोग्राफिक को के बारे में आईटी एक्ट है दो इंडियन पिनल कोड है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो जिसे हम बोलते हैं 2012 का एक्ट है तो राजकुंद्रा को आईटी एक्ट और आईपीसी के लॉज में अरेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट जो एफआईआर वगैरह हुई थी प्रोसीडिंग हुई थी आईटी एक्ट और आईपीसी के एक्ट में हुई थी वॉचिंग पॉन प्राइवेटली इज नॉट इलीगल ठीक है पहली चीज तो ध्यान रखनी है कि पौन अगर प्राइवेट देख रहा है कोई तो वो इलीगल नहीं है इंडिया में अगर बात करें इट इज नॉट इलीगल टू वॉच पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन योर प्राइवेट रूम्स और स्पेस आर्टिकल 21 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ गिव्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू इंडियन सिटीजन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में औरली रिमार्क्ड इन अ केस वाचिंग पॉन इन प्राइवेट रूम मे फॉल अंडर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट भी है देयर इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाई एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर अस्टैब्लिड बाई लो तो ये हमारे देश का कानून है आर्टिकल ट्वेंटी में कि कोई जो मर्जी चाहे अपनी जो उसको पर्सनल लिबर्टी है और राइट टू लाइफ है कोई भी अगर उसको अगेंस्ट उसके कोई लॉ बनाना है तो एक प्रॉपर लॉ बनेगा तभी उसके इस राइट को टेक अवे किया जा सकता है सो एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग पोर्न फिल्म इन योर प्राइवेट स्पेसेस इट इज कम्पलीटली लीगल हाउ वाचिंग वॉचिंग और स्टोरिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट विच डिपिक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप और वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए रेप या वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन को वो प्रमोट नहीं करना चाहिए इज एन ऑफेंस इवन इफ इट इज़ बीइंग वॉस्ड इन प्राइवेट स्पेस अगर प्राइवेट स्पेस में भी इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं तो भी वो इल्लीगल है पॉन बैन इन इंडिया की बात करें नन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज एब्सिलुटी नेचर हमें पता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखती हैं तो जो भी राइट right है हमारे इंडिया में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी वहाँ पर होती ही होती हैं तो मोरलिटी एंड डिसेंसी इज अ ग्राउंड अंडर विच द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड तो ध्यान रखना है मॉरालिटी और डिसेंसी इस तरह के वर्ड्स आपको डेफिनेटली अपने ऐसे अपने क्वेश्चन में डालने हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट right जो है एब्सोल्यूट नहीं है देर आर सर्ट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर मॉरलिटी और डिसेंसी उसी ग्राउंड पे गवर्नमेंट ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को दो में भी बंद करने की एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की थी और उसके बाद दो में भी की बट वो बंद नहीं हो सका है अभी तक भी तो क्वेश्चन उठता है बाद में इफ पोन इज बैंड इन इंडिया हाउ वॉचिंग इट प्राइवेटली इज लीगल कि अगर वो बैन है तो उसको लीगल कैसे हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइवेटली हम देख रहे हैं बिना किसी आ, कोई भी ट्रांसमिशन या कुछ नहीं ऐसा है प्राइवेट देख रहे हैं तो कैसे वो लीगल हो जाता है आंसर जो है इसका आप दो तरह से समझ सकते हैं पहला फर्स्टली द ओनर्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पोन बैन इज़ ऑन द आईएसपी हम जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनके ऊपर है कि पौन को बैन करे तो कोई भी अगर एडल्ट सिटीज़न किसी भी तरह से कोई टूल्स वगैरह यूज़ करके इंटरनेट पे वो देखता है एक्सेस मिल जाता है उसको ऐसी वेबसाइट का तो वो उसका फॉल्ट नहीं है ठीक है एडल्ट सिटीज़न का फॉल्ट नहीं है अगर वो वहां पर उसको एक्सेस कर लेता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फॉल्ट कहलाएगा दूसरी चीज़ जो मेन रीज़न है गवर्नमेंट ने जब इसको बैन किया था तो मेन रीजन जो दिया था वो तो है एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी विच डिपिक्टेड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन तो दो चीज़ें थी गवर्नमेंट का कंसर्न कि एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से प्रमोट हो रही है इसलिए बैन करना है दूसरा वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रमोट हो रहा है इसलिए करना है तो इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोन विच शोज वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन देन यू आर इन सेफ स्पॉट तो अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो आप सेफ़ हैं इट इज टू बी नोटेड डेट इफ अ पर्सन प्राइवेटली वॉचिज अ पॉन वीडियो एंड देर आफ्टर शेयर इट एंड स्टोर इट ये प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप शेयर कर रहे हो स्टोर कर रहे हो तो वो ऑफेंस माना जाएगा इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग देखना नहीं है बट शेयर करना स्टोर करना एक ऑफेंस है अभी रिसेंटली कई बार ये चीज़ें इस तरह की साइबर सेल में अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं जब भी पोर्नोग्राफी कुछ एक्सेस ऐसे करना चाहे कोई तो उसमें एक वहाँ पर पॉपअप आ जाता है योर कंप्यूटर हैज़ बिन ब्लॉकड बीवेयर ऑफ फ्रॉड मे भी आप में से कईयों ने भी इस तरह की चीज़ें देखी हूँ तो वहाँ पर एक अडल्ट जो वो अडल्ट कंटेंट वेबसाइट में अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो कई बार स्क्रीन पे आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से वो कहते हैं क्या योर ब्राइजर हैज़ ब्राउज़र हैज़ बिन लॉक्ड ड्यू टू व्यूइंग एंड डिसमिनेशन ऑफ मटेरियल्स फॉरवर्डन बाय लॉ ऑफ इंडिया नेमली पोर्नोग्राफी फिडोफीलिया रेप एंड जूफीलिया इस तरह का कुछ ना कुछ पॉपअप आ जाता है वो बोलते हैं कि अनलॉक करने के लिए तो आपको ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जो है वो फाइन देना पड़ेगा वीज़ा या मास्टर क्लाउड से तभी आपका ब्राउजर जो है अनलॉक होगा ऑटोमेटिकली पेमेंट के, करने के बाद तो ये चीज़ें जो है इस तरह की कई बार ऐसी साइबर सेल में रिपोर्ट्स आई हैं कंप्लेंट्स आई हैं कि हमने ऐसा ऐसे साइट्स को एक्सेस किया और ये चीजें हो गई उसके बाद क्या आता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और योर अटेम्प्ट्स टू अनलॉक द डिवाइस इंडिपेंडेंटली केस मटेरियल्स विल बी ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो लोग जो है घबरा जाते हैं एक तो एक प्राइवेट उसमें स्पेस में अपना ये देख रहे होते हैं एक एकदम से पॉपअप आ जाता है तो उनको लगता है कि ये बड़ी मुसीबत होगी वहाँ पर लिखा था यू हैव सिक्स आवर्स टू पे द फाइन तो इस तरह के ये साइबर फ्रॉड्स हैं तो अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया या किसी भी आपके अराउंड किसी भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा किया है तो इसका फ्रॉड जो है आपको ध्यान रखना है ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ही कोई पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया में किसी के पास भी ऐसी अथॉरिटी है कि किसी का पीसी या लैपटॉप को वो ब्लॉक कर सकते हैं दूसरी चीज जो अबव मैसेज है ये उनतीस हजार का इज बींग डिमांडेड एज अ फाइन विच स्ट्रेंथन द फैक्ट फैक्टर इट्स अ फ्रॉड मैसेज दे इज़ नो लॉ इन इंडिया दैट बार्स वॉचिंग पॉन इन प्राइवेट स्पेस और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट दैट टू ऑफ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर्थ दिस एक्ट उनतीस हज़ार का कोई फाइन या कुछ ऐसा नहीं है फर्दर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ क्राइम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूवड इन कोर्ट ऑफ लॉ हम तो जानते हैं इवन हमारा कोई चलान भी कर दे तो हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि पाँच सौ रुपए का चलान कैसे कर दिया तो अगर कोई भी ऐसा है तो छोटे से छोटा क्राइम भी वहां पर हम चैलेंज कर सकते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि उनतीस हज़ार रुपये दे के ही आपका पीसी जो है अनलॉक होगा तो वहां पर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी पनिश अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो हम बोलते हैं वो चीज़ें होती हैं तो सिंपली अगर आप बोलो कि हाँ अगर ये नहीं दिया तो वो लॉक ही रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है सो इट इज़ एडवाइजेबल टू बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड्स एंड डू नॉट पे एनी अमाउंट आइदर अंडर फियर और थ्रेट ऑफ सच काइंड ऑफ मैसेजेस तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया स्ट्रिक्ट स्टांस अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी दो में काफ़ी ये चीज़ें उठी थी 2018 में पॉन बैन वॉज ट्रिगर्ड बाय द ब्रूटल इंसिडेंट ऑफ फोर बॉयज डेट गैंग्रेट अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल आफ्टर ल्योरिंग हर टू अ स्टोर रूम ऑन द फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट द स्कूल तो वहाँ पर पौन के कारण ही एक 16 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ चार लड़कों ने वो किया और उसको आ, बोला कि हाँ हम कुछ इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन वहाँ पर कुछ तैयारियां करनी है और वहाँ पर स्टोर रूम में ये चीज़ हुई ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन वन ऑफ़ द बॉयज रिवील टू द पुलिस दैट आइडिया ऑफ रेप केम टू हिम आफ्टर वॉचिंग पौन ऑन हिज फ़ोन तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो ये बैन हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपील की थी गवर्नमेंट को कि अनलिमिटेड एक्सेस टू पोर्नोग्राफिक साइट्स शुड बी कव टू अवॉइड अवॉइड एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन तो इस सब चीज़ों को एडवर्स इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को इसके बारे में कहा था लॉज अगेंस्ट पोर्नोग्राफी इन इंडिया तो जो लॉज़ हैं इंडिया में पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट उनका तीन तरह से तीन एम है उनके ठीक है ये आपको ध्यान रखने हैं ऐसे में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है टू कब एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉर्न ऑन यंग माइंड्स पहली चीज कि यंग माइंड्स पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो मैंने पहले भी बताई और तीसरी चीज सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री तो ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो भी हमारे लॉ बनते हैं अगेंस्ट पोर्नोग्राफी वो बनते हैं और इसी के कारण हम बैन करने के भी रहते हैं राइट तो ये था हमारा वीडियोग्राफ जो वीडियो रिगार्डिंग के पॉन जो है इलीगल है इलीगल है किस तरह के लॉज हैं तो अगर आपका भी इस पर कोई सजेशन है कुछ भी कहना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस पर क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं जुडिशरी से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट uh, अपडेट्स रहेंगे वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट